गाइस, दिस इज़ पार्ट टू ऑफ सरोजनी नगर। तो यहाँ पर आपको मिल रहे थे 100 रुपीज़ में स्वेटर्स। इसमें स्वेटर्स थे, स्वेशर्ट थे, फुल स्लीव की टी शर्ट्स थी। इनके वहाँ के जो कपड़े थे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था। इसी के आगे जाके आपको मिल जाएगी 250 रुपीज़ में जैकेट्स। इसमें आपको मेंस की जैकेट भी मिल जाएगी और वीमेंस की जैकेट भी मिल जाएगी। लॉन्ग जैकेट्स भी थी और शॉर्ट जैकेट्स भी थी, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं। इनके पास डिफरेंट डिफरेंट साइज़ अवेलेबल थे और साथ ही साथ बहुत सारे कलर्स में आपको ये जैकेट्स मिल जाएंगे। इसके आगे जाके आपको मिल जाएंगे 100 रुपीज़ में डेनिम्स। यस गाइस, 100 रुपीज़ में डेनिम आपको सिर्फ और सिर्फ सरोजनी नगर में ही मिल सकती है। ये डेनिम उतनी अच्छी नहीं थी, तो आई प्रेफर यू कि आप 200 वाली ले लें। इसी के आगे जाके आपको मिल जाएंगी 100 रुपीज़ की चूड़ियाँ। और ये जो बैंगल्स की शॉप है ना, आपको मार्केट में कई जगह पे मिलेंगी जहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में बैंगल्स मिलते हैं। इनका कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मिल रहे थे 200 रुपीज़ के वुलन पैजामास। तो ये वुलन पैजामास होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पे मिल रहे थे 100 रुपीज़ में ओवरकोट। यस गाइस, इन जस्ट 100 रुपीज़ आपको ओवरकोट मिल जाएंगे। और इन ओवरकोट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बिल्कुल भी चीप क्वालिटी नहीं थी, पुराने नहीं थे। और जो ये टर्कोइश कलर देखिए, अब यहाँ पे मिल रहे थे 100 रुपीज़ में आपको श्रग्स और साथ ही साथ स्वेशर्ट्स। तो इनके श्रग्स की क्वालिटी कुछ तो बहुत अच्छी थी और कुछ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो आप प्लीज़ जब भी मार्केट जाए ना, तो वो चेक करके लें कि कुछ डैमेज तो नहीं है, और उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इसी के अंदर आपको एक क्रॉप स्वेटर भी मिल जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल न्यू पीस था। और इसी तरीके से आपको मार्केट्स में 350 रुपीज़ की जैकेट की सेल मिल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, ये शॉप के अंदर का मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जो डेनिम आपको दिख रही है, ये 400 की थी। अब यहाँ पे मिल रहे थे 100 रुपीज़ में स्वेटर, और ये लेवेंडर कलर का स्वेटर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे श्रग्स मिल जाएंगी, स्वेटर्स मिल जाएंगे, फरी फरी वाले स्वेटर्स होते हैं ना, वो भी मिल जाएंगे। और ये मस्टर्ड कलर का स्वेटर देखिए, ये कितना ज़्यादा प्रिटी है। पर ना इसमें बहुत सारे वो रुए उठ जाते हैं ना, वो था, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिया। तो कुछ इस तरीके से इनके कलेक्शन थे, काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। यहाँ पे मिल रहे थे 250 रुपीज़ के लेडीज़ के शूज़। और ये वाले शूज़ ना काफ़ी ज़्यादा वार्म होते हैं विंटर्स के लिए, येट ऑन द अदर हैंड ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो आप लोग इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप लोग इस तरीके के शूज़ वेयर अप करना पसंद करते हैं तो। और इन्हीं के शॉप के जस्ट बगल में इनके पास शूज़ थे जिसमें मेंस कलेक्शन था, तो ये भी आपको 250 रुपीज़ में मिल रहा था, जहाँ पर इनका काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। और इन्हीं के शॉप के जस्ट बगल में आपको मिल जाएंगी ईयरिंग्स। तो इनके पास ईयरिंग्स स्टार्ट होती है 30 रुपीज़ से और ये 150 रुपीज़ तक जाती हैं, अकॉर्डिंग की आप कितनी भारी लेते हैं। यहाँ पे मिल रही थी चंक ज्वेलरीज, स्टार्टिंग रुपीज़ 50, एंडिंग टू रुपीज़ 100। 50 रुपये में आपको बढ़िया बढ़िया ईयरिंग्स मिल जाएंगे। इतने प्रिटी कलेक्शन था इनके पास, मुझे बहुत पसंद आया इनका कलेक्शन। और इन्हीं के शॉप के सामने आपको मिल जाएंगे मोबाइल केस। तो ये जो कवर्स आपको मिल रहे थे, ये 100 to 120 के बीच में थे, और ये आप बार्गेनिंग करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पे मिल रहे थे हैंड बैग्स, और ये कितने क्यूट है ना, तो ये आपको मिल जाएंगे 100, 150, 200 अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। और आपको उसमें भी बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी, कोई फिक्स रेट की दुकान ये नहीं थी। अब इसके आगे जाके अगेन आपको मिल रहे हैं 100 रुपीज़ के बैंगल, और ये ऑक्सीडाइज वाले बैंगल मुझे बहुत पसंद आए थे। तो यहाँ पे आपको बैंगल मिल जाएंगे 100 रुपीज़ ईच। यहाँ पे मिल रही थी 150 रुपीज़ में शॉल, जैसे कि विंटर आ चुकी है तो ये विंटर वेयर ही पूरे सरोजनी में आपको मिलने वाला है। तो इनके यहाँ शॉल का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल थे और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इस स्टॉल में आपको मिल रही थी हाफ स्लीव्स की जैकेट, और साथ ही साथ 100 रुपीज़ में आपको मिल रहे हैं यहाँ पर स्वेटर, और ये ब्लैक कलर का देखिए, ये ग्लिटरी ग्लिटरी स्वेटर कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये आपको जस्ट इन 100 रुपीज़ मिल जाएगा। इनके वहाँ की कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और ये देखिए, थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर के शेड है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मोटा था। और अब आप लोग बोलेंगे लेन कौन सी, जब हम गेट नंबर 1 से एंटर करते हैं तो आपको सीधा सीधा जाना है, वही लेन है। तो यहाँ पर 250 रुपीज़ में साड़ी की सेल लगी हुई थी, यहाँ पर इन पे प्राइस टैग मेंशन थे कि कुछ 250 का था, कुछ 650 का था। अब मैं आपको थोड़ा सा मार्केट के शॉप का भी व्यू दे देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या रेट थे। तो यहाँ पर आपको साड़ी मिल जाएंगी 750 रुपीज़ में, रेडी टू वेयर ब्लाउजेस थे 550 रुपीज़ में, 650 रुपीज़ में, और साथ ही साथ इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था शॉल्स का। और वहाँ पे देखिए भैया, आपको ब्राइडल लहंगा दिखा रहे हैं, तो इनकी शॉप में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था। इनके पास साड़ी थी 550 रुपीज़ की, 850 रुपीज़ की, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं। प्राइस टैग बाहर मेंशन थे, प्लस इनमें कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे अगेन ईयरिंग्स का कलेक्शन है, ईयरिंग्स आपको मिल जाएंगी 30 रुपीज़ से 150 रुपीज़ के बीच में, अकॉर्डिंग कि आप कैसा लेते हैं।
यहाँ पे मिल रहे थे आपको सेट्स ऊपर और नीचे के, तो वो भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मिल रही थी आपको जैकेट इन जस्ट रुपीज़ 200 और जॉगर मिल रहे थे 250 रुपीज़ में। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया था, पर वो दूसरी शॉप थी। तो यहाँ पे आपको जैकेट मिल जाएंगे 200 रुपीज़ में और जॉगर्स मिल जाएंगे 250 रुपीज़ में। यहाँ पे मिल रहे थे मेंस का लोअर इन जस्ट रुपीज़ 200। यस गाइज, 200 रुपये में आपको यहाँ पे मेंस का लोअर भी मिल जाएंगे और ये काफ़ी वार्म लोअर थे, विंटर वेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप लोग एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करना। अब ये लेन कौन सी है, बस वहीं से सीधे सीधा आना है और ये वाली लेन में हमें एंटर करना है। इस लेन के अंदर आपको मिल जाएंगी 400 रुपीज़ में जैकेट्स और यहीं पर मिल जाएंगे 250 रुपीज़ में आपको इस तरीके की सैंडल्स। यहाँ पे मिल रही थी 300 रुपीज़ में फॉर्मल पैंट्स मेंस की और 300 की शर्ट्स। यहाँ पर मिलेंगी आपको ब्रास स्पेगेटी पैंटीज इन जस्ट रुपीज़ 50 to 150 रुपीज़, और बार्गेनिंग आपको करना पड़ेगा। 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और 150 पे एंड हो जाता है, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बार्गेनिंग कर लीजिएगा। अब इस लेन की अगर मैं बात करूँ तो इस लेन में एंटर करते ही आपको मिल जाएंगी ये ड्रीम कैचर। 50 रुपीज़ वो कोट कर रहे थे, 30 रुपीज़ में दे रहे थे, तो 30 रुपीज़ में आपको ड्रीम कैचर्स मिल जाएंगे। बाकी भी होम डेकोर का आइटम इनके पास अवेलेबल था। यहाँ पे मिल रही थी सॉक्स आपको मिल जाएंगी 20 रुपीज़ ईच की पेयर में, और यहाँ पर 60 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगी स्पेगेटी। सारे कलर अवेलेबल थे, जो भी कलर आपको चाहिए 60 रुपीज़ में स्पेगेटीज़ यहाँ पे मिल रही थी। और इस बार मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल बैग, ट्रॉली बैग्स एंड बैकपैक का कलेक्शन। तो इनके पास स्कूल बैग्स मिल जाएंगे 200 से 250 के बीच में, ट्रॉली बैग्स मिल जाएंगे 500 से 800 के बीच में, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, वो भी बहुत ज़्यादा गाइस। तो आपको एक बार इसे चेकआउट करना चाहिए। विंटर्स आ गई हैं, ग्लव्स मिल जाएंगे 100 रुपीज़ में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब करना ना।